Woo! Madedar. टाइम जो झील है इसके बीचों बीच खड़े हैं और ये मेन बिल्डिंग है जो जिसको हमने इसके ब्रिज के ऊपर से जाके शूट करना चाह रहा था। मैं एक सीन लेना चाह रहा था जो कॉरिडोर में से गुजर के बड़ा मज़े का पैन शॉट होना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी दिसंबर तक ये जगह बंद है क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो बहुत सारी जगह जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं, अभी वहाँ नहीं जा सकते। तो अभी ये है कि मैं मैक्सिमम यही कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग यहाँ के कुछ शॉट्स ले लें, ये जो बाकी हमारे पास अवेलेबल एरिया है, और कुछ शॉट्स लिए भी हैं, तो लेट्स सी कि कुछ अच्छा निकले। पर ये मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि कोई भी बंदा जो है वो अगर शेखुपुरा का कभी चक्कर लगता है उसका, या नहीं भी लगता तो किसी वीकेंड पर प्लान बना लें यार, मतलब आजकल निकला करो यार बाहर, सारा दिन यूट्यूब देखते रहते हो, तो ज़रूर इस जगह को विज़िट करें। हालांकि बहुत धूप है इस टाइम, लेकिन इस जगह पे अभी मैं बोट में बैठा हूँ तो ये काफ़ी सूदिंग एक फील आ रही है, मतलब मैं मेंटली फिज़िकली रिलैक्स फील कर रहा हूँ। बहुत मज़े की हवा चल रही है, पानी बड़ा अच्छा है यहाँ का, आई मीन वैसे पीने वाला नहीं है लेकिन ये देखें। और अकॉर्डिंग टू सलमान भाई यहाँ का पीने का पानी भी अच्छा है, तो अभी तक मैंने तो टेस्ट नहीं किया, लेकिन आप लोगों अगर करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी जगह मुझे तो पर्सनली पसंद आई है, तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा आप लोग ज़रूर देखें। और हाँ बस यही है, बस बाज़ का जगहों पे ना, कुछ जगहों पे जो स्टाफ होता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, उन लोगों को जितनी अथॉरिटी दी जाती है उनको लगता है कि उनके पास उससे ज़्यादा इख्तियार है, तो वो लोग उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं नॉर्मल लोगों के लिए, जो हम जैसे लोग विज़िट करना चाह रहे होते हैं इस तरह की जगहों को, उनको ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है डिफरेंट जगहों पे। बहरहाल मेरी आदत है कीड़ा निकालने की हर जगह, बंदूक खान वाली वीडियो में भी मैंने यही किया था तो बाकी आप लोग इस जगह को ज़रूर विज़िट करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, कमेंट भाई कमेंट, कमेंट नहीं। और प्लीज़ वीडियोस को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, अब तो कैमरा भी बहुत पैसे लगा दिए मैंने भाई, इतने पैसे तो मतलब मैं कहाँ कहाँ की सैर नहीं कर सकता था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वीडियो का रिज़ल्ट बेहतर आए मैंने पैसे लगा दिए हैं, और हैवी अमाउंट है। तो अभी मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये है GoPro Hero 6 जो कि लेटेस्ट मॉडल है, अभी रिलीज़ हुआ है, मैं शेखी नहीं बिगाड़ रहा और मैं कोई भी ऐसा सीन नहीं है, सच सिर्फ बता रहा हूँ कि मुझे कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी शूटिंग के दौरान, कुछ शॉट्स मैं लेना चाहता था लेकिन वो मैं नहीं ले पाता था, बाज़ का साउंड का मसला होता था, बाज़ का फ्रेम बहुत ज़्यादा टाइट होता था, उसमें इन्वायरमेंट नहीं दिखाया जा सकता था। तो अभी ये इतना वाइड है कि अगर मैं यहाँ से किसी जगह को पॉइंट करूँगा तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि पूरा इन्वायरमेंट कैप्चर हो रहा है, जैसे अभी देखें। मज़ेदार, मतलब ये बहुत कम इस तरह के एक्सपीरियंस बंदा करता है ज़िंदगी में, जिनको एंजॉय करते हुए बहुत, मतलब जिनके अंदर आप रहते हुए आपको इतना मज़ा आ रहा होता है कि
वो आपके अलावा यानी जो बंदा उसमें वहाँ पे है उसके अलावा कम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, ख़ास तौर पे जब आप फ्री हो उस जगह को एंजॉय करने के लिए, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ना हो। अभी कुछ हैं लेकिन कटाओ यार, ठीक है और इतना बहुत है। तो जहाँ हो वहाँ को एंजॉय करो, कंप्लेंट लेस गेट मोर। जब हम कंप्लेंट ज़्यादा करते हैं चीज़ों के बारे में तो हमें कम मिलता है, क्योंकि हम उसके नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर फोकस करते रहते हैं और हम देखते नहीं हैं कि उसके फोकस जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो कितने बेहतर हैं, उनसे कितना बेहतर इफ़ेक्ट आता है। भले वो कम हो लेकिन काम किया जा सकता है इससे, इससे बंदा खुश रहना सीख सकता है, इससे हम अपनी लाइफ को मज़ीद ईजी फील करते हैं, स्ट्रेस कम होता है। और बस इस तरह की चीज़ें हैं कुछ। हम लोग यूजली अपनी सारी ज़िंदगी को जो है वो आसान करने के चक्कर में उसको मज़ीद कॉम्प्लेक्स करते रहते हैं। बच्चा पैदा होता है तब से उसको पता होता है भाई मैं डॉक्टर इंजीनियर फलाना ढिमकाना ना बना तो ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। हालांकि ज़िंदगी उन चीज़ों का नाम है ही नहीं है जिन चीज़ों के ऊपर अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छे पैसे, नाम, शोहरत, सारा कुछ, इन सारी चीज़ों के ऊपर ज़िंदगी अगर बेस करेगी तो फिर ज़िंदगी में हम कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसे ये देखें सलमान भाई फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं, सलमान मज़ा आ रहा बहुत, मतलब हालांकि दोपहर का 12:01 बज गया है लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। सलमान को थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही है और प्लस इसको मैंने नाश्ता भी नहीं करने दिया तो जो गर्मी लग रही है उसी को दूर करने के लिए मैं इस तरह की रख देंगे और थोड़ा सा ठंडा भी वैसे फ़ायदा हो जाता है। ये बहुत आवाज़ कर रही है यार ये कश्ती, प्लस दिस हैंडल सीम्स टू बी वेरी टैकी। ओ भाई उधर नहीं जाना, नो गो जोन, ये सारा नो गो जोन है।